मुस्कान, अरे जल्दी उठ जाओ, 10 बज चुके हैं यार। तुम्हें पता है ना, आज संडे है, घूमने नहीं जाना हमें? क्या खाओगे ब्रेकफास्ट में? जो खिलाओगी वो खा लूंगा, लेकिन पहले चाय बना दो। ठीक है। अरे राहुल, प्लीज स्मोकिंग ना बाहर बैल्कनी में करो। ओके मेरी जान। बेबी, बाहर बहुत गर्मी है, चलो अंदर हॉल में चाय पीते हैं। हाँ चलो। अरे तुम्हें याद है, परसों रात को हम एक फिल्म देखने गए थे? हाँ, तो उसकी हीरोइन थी ना वो पमिला। क्यों, उसको क्या हुआ? वो एस्कॉर्ट सर्विस की मेंबर निकली। क्या, आर यू सीरियस? कल रात को पुलिस ने उसे जुहू के एक होटल से रंगे हाथों पकड़ा। दिखाओ मुझे जरा। ये देखो न्यूज। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि पमेला इतनी बड़ी एक्ट्रेस है और उसे तो नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, तो उसे क्या जरूरत पड़ी थी ऐसे काम करने की? अब मैं क्या बोलूं, अब ये तो उसकी लाइफ है, पर अगर मैं उसकी जगह होती तो कभी ऐसे गलत काम कभी नहीं करती। मेरी जान, मुझे अपने से ज्यादा भरोसा तुम पर है, इसीलिए तो तुम्हारे एक्ट्रेस बनने के सपने को साकार करने के लिए मैंने तुम्हें अकेले मुंबई भेज दिया। खैर छोड़ो, ये बताओ कि आज तुम मुझे कहाँ घुमाने ले जा रही हो? एक मिनट, मैं मोबाइल लेकर आती हूँ। हेलो, ओके ठीक है, मैं आपको 5 मिनट में कॉल करके बताती हूँ। बाय। क्या हुआ, किसका फोन था? अरे कुछ नहीं, वो एक शूट के लिए कॉल था, मैंने टालने के लिए कह दिया कि मैं 5 मिनट में कॉल करती हूँ। टालने के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेबी, आप भी ना, आप मेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के शहर में आए हो मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, अब मैं आपको ऐसे कैसे जा सकती हूँ छोड़कर शूट पर, बोलो। आई थिंक तुम्हें शूट पर जाना चाहिए। ये क्या कह रहे हो आप? वही जो तुमने सुना। देखो, मेरा और तुम्हारा रिश्ता तो जिंदगी भर का है, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा सपना साकार हो, और तुम्हारा सपना साकार तभी होगा
जब तुम अपने हाथ में आए हुए ऐसे मौकों को जाने नहीं दोगी। वो कहते हैं ना कि समय कभी बोल कर नहीं आता, उसे पहचानना पड़ता है। हो सकता है ये जो शूट आया है तुम्हारे पास वो तुम्हारी तकदीर बदल दे, इसलिए आज तुम शूट पर जा रही हो। पर बेबी आप इस घर में बोर हो जाओगे। तो क्या हुआ, ऐसा करते हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हारे शूट पर चलते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। एक्चुअली प्रोडक्शन हाउस ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि कोई भी बाहर का अदर पर्सन अलाउड नहीं है। सो ओके, डोंट वरी, अब मेरा एक दोस्त रहता है अंधेरी में, मैं उसे फोन लगा लेता हूँ, उससे मिल लेता हूँ, मेरा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और तुम शूट पर जाने की तैयारी करो। ओके माय लव। हो गई आपकी बात आपके दोस्त से? हो गई। क्या कहा उन्होंने? क्या कहेगा, यही कहा कि आजा पार्टी शार्टी करते हैं। तो तुम्हें पता है ना अंधेरी कैसे जाना है? हाँ हाँ मुझे पता है, तुम टेंशन मत लो, पहुँच जाऊंगा। ठीक है, लेकिन हाँ खाना जरूर टाइम से खा लेना। खा लूंगा, तुम भी खा लेना। यार बस बढ़िया, चका चक। तू कैसा है बड़े दिनों के बाद? बहुत बढ़िया। चला अंदर आ, देख ये है मेरे सपनों का महल, देख रहा है? बिल्कुल तेरे जैसा है। अब तू भी मेरी खिंचाई करना नहीं छोड़ता है। अबे हम लोग पिक्चर देखने गए थे हंगामा, 10 लोग एक साथ, कितना असर के लोग पड़ गए थे। कितनी मस्ती की थी यार। छोटा छोटा बोलते हैं वो, अबे वो अबे रात को याद हो, छोटू छोटू भाई। यार बड़े दिन हो गए यार मिले हुए, हंसते रह गए यार। चल सुन तू तो रुक यार, तू बता कोई किस्सा बचपन का। बस यार पहले रुक, पहले मैं दारू लेके आता हूँ, ठीक है? हाँ दो पैक मारेंगे ना तब कर। लेकिन यार भाई दिन में शुरू